16वीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र के दौरान बुधवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान सदन में आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, पशुपालन, मत्स्य और देवस्थान पर चर्चा की गई। इस दौरान सदन में पोखरण विधायक प्रताप पुरी ने अपनी मांगे रखी। उन्होंने शायराना अंदाज में विपक्ष को जमकर धोया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की गैर मौजूदगी में उनकी कुर्सी को ही संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जूली जी को हंसते हुए देखा है, आज वे सदन में नहीं है, उनको जूली की जगह जूही कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने सदन को महकाने का काम किया। इस दौरान उन्होंने इशारों ही इशारों में अपनी बात सदन में रखी। उनके पास समय जरूर कम पड़ गया था, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए अध्यक्ष से एक्स्ट्रा समय देने की गुजारिश की। वहीं पोखरण विधायक सदन में गौ माता का विषय ही रख पाए। आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी समेत अन्य मामले समय कम होने के चलते नहीं रख पाए। सदन में क्या कुछ कहा विधायक प्रताप पुरी ने, आइए आपको सुनाते हैं। वो जानता है कि नंदी का सिर क्या है और नंदी क्या है और पृथ्वी कैसे टिकी हुई है। इसलिए गो में वसते लक्ष्मी, क्या मतलब हुआ? गोबर में लक्ष्मी, लक्ष्मी माता का निवास गोबर में बता दिया। उपवास करेंगे, अभी सरवण जी तो चले गए, साधु महात्मा के नाम पर भी उपवास कर रहे थे। अरे गुरु में श्रद्धा नहीं रखते हो आप लोग? अरे बाबा आया बिगाड़ दिया, बाबा के एक तो मोदी बाबू आ गए, एक योगी आ गए, एक राजस्थान में फिर बाबा आ गए, कांग्रेस में बाहर निकाल दिया, लाइन लेटर लोग। नहीं, संत सबका भाव है मेरे प्रति, मुझे बहुत प्रेम से मैं कर रहा हूं। ये सामने बैठी लोबी है ना, मैं जब घूमता हूं मुझे बहुत आदर सम्मान देते, मैं भी आपके लिए मंगल कामना करता हूं। आज जूही साहब नहीं है, जूली साहब आज यहां नहीं है, पर तो मैं नहीं था, गुरु पूर्णिमा मनाने गया तब पीछे कटाक्ष हुआ था कि मेरे नाम से भी आप एतराज उठाते हो। मैं तो आज जूली साहब आप तो है नहीं, पर आपकी कुर्सी की तरफ अंकित करके कहता हूं कि आपने आपको मैंने हंसता हुआ देखा है, आपका चेहरा हंसता हुआ देखा है, मैं आपको हंसते हुए देखना चाहता हूं। परंतु आपके नाम में मैं एक सुधार करना चाहता, आप जूली है नहीं, आप जूही है, जो एक खुशबू देंगे हम सबको प्रतिपक्ष में बैठ करके। ये भाव रहना चाहिए हमारे अंदर, ये भाव रहना चाहिए, एक दूसरे का आदर करेंगे, अपने आप करेंगे, अपना अपना आदर करेंगे। मैं कह रहा था गो में बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी, हाँ है गोबर में लक्ष्मी, कैसे है? यदि गोबर हम हमारी मातृभूमि के चरणों में, माँ भगवती जमी के चरणों में चढ़ाएंगे तो क्या कहते हैं, माता भूमि पृथो पृथ्वी अहम माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, हे माँ भूमि मैं तेरा पुत्र हूं। वो माँ है हमारी, गौ माता और भूमि माता, दोनों को पवित्र करने के लिए गोबर यदि भूमि में डालेंगे तो वहां उर्वरा पैदा होगी और वहां से अनाज पैदा होगा, और अनाज पैदा होगा देश संपन्न होगा और किसान संपन्न होगा। तब जाकर के कहा गो में वचते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी। इसलिए अब तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए आप, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड डाल डाल करके भूमि माता को हमने बीमारू माता कर दिया है। पंजाब का हालत देख लीजिए आप, जहां ऐसा डाला गंगानगर हनुमानगढ़, हम लोगों ने इस भूमि के अंदर उर्वरा को शक्ति ज्यादा करने के लिए डीएपी यूरिया डाल के उसको बीमार किया और अपने स्वास्थ्य को भी बीमार किया। मेरा एक सुझाव है सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि जिस प्रकार डीएपी यूरिया पर सब्सिडी देते हैं, कौन पोषक होंगे, बड़े मिल फैक्ट्री वालों को उनको मिलेगा, उनको सब्सिडी देकर के हम खाद लेते, किसान को देंगे, किसान जमीन में डालेगा, जमीन बंजर होगी और पूरी की पूरी इस प्रकार चलता रहा तो एक दिन हम तरसेंगे शुद्ध खाने के लिए। और उसकी जगह यदि गाय का गोबर हम जमीन में डालेंगे तो जमीन भी शुद्ध रहेगी, बीमारू नहीं रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और सुनिए आप, सब्सिडी देते हैं ना, उसके बाद में कितना नुकसान उठा रहे हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां से कैंसर नाम की टैंक ट्रेन आती है बीकानेर में, कैंसर ट्रेन नाम हो गया है क्योंकि हमने उस जमीन को बंजर कर दिया है। अब यदि स्वास्थ्य चाहिए आपको, आपको पृथ्वी चाहिए, आपको अनाज चाहिए, तो गाय की शरण में आना पड़ेगा, और गाय दुखी तो पूरी दुनिया दुखी रहेगी, गाय सुखी तो हम सब सुखी रहेंगे। ये गाय को समझो केवल प्राणी में समझो, और केवल आध्यात्मिक आर्थिक दृष्टि से भी नहीं, तो सर्वांगीण गाय है, सब कुछ है, अर्थ का आधार मत मानो गाय को, यह भी एक मनुष्य का पक्ष है। गाय दूध नहीं देती है,
छोड़ देते हैं। पहले तो जयघोष करते गौ माता की जय, और जैसे ही गाय बीमार हुई, गाय ने दूध देना कम किया, वो ही हमारे पास आते हैं गौशाला में लेकर के, गाय को रख लो। क्यों भाई, दूध तो आपने पिया, और अब गौशाला की शरण में क्यों जाते हैं? तुम्हारी माँ की सेवा करते, इसकी भी सेवा करो। मेरा इतना ही निवेदन है आपको कि गाय के निकट जाओगे, जिस प्रकार से एक सिद्ध साधक संत के पास बैठने से ध्यान लगता है, ठीक ऐसे गौ माता के पास उनकी आंखों में जाके देखना, आप ठीक आपका ध्यान लगेगा। गौ माता के हाथ घुमा देना ऊपर, आपकी बीपी ठीक हो जाएगी, आपके अंदर सात्विक भाव आएगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी, नकारात्मक भाव निकलेगा। तो गौ माता को समझो, गौ माता की सेवा करो। कुछ मेरे सुझाव है, मुझे सभापति महोदय थोड़ा समय देना, थोड़ा और मैं धृष्टता करूं तो मुझे क्षमा करें, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास में आपकी बात समाप्त नहीं, मैं एक मिनट में तो मेरी बात पूरी, मेरा विश्वास है कि कांग्रेस वाले भी मेरा समर्थन करेंगे, मुझे बोलने का साथ देंगे, और ये भी मुझे बोलने का साथ देंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। दो मिनट, देखिए गाय का जो है सबसे बड़ा संकट का समय क्या है, जब अकाल पड़ते, राजस्थान गो आधारित है, और सबसे सुंदर गाय, सबसे उच्च कोटि की गाय यदि देखनी हो तो राजस्थान में मिलेगी आपको, और वो भी थार पार करके बरोबर कोई गाय नहीं है। देखिए मैं थार पार की गुणवत्ता बताऊं, सबसे ज्यादा एंटीबो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें, सबसे ज्यादा ब्यांत वो ब्याती ब्याती दूध देती देती ब्याएगी आपके, सबसे सुंदर हर प्रकृति में हर तापमान में रहने वाली सुंदरता में गुणवत्ता में, और वो गाय हमारे पास है। परंतु जो 7-8 किलो गाय दूध देती थी, आज 2 किलो पर दूध देने लाई, इसलिए किसान विवश है कि अब मैं गाय कैसे रखूं, मैं बकरी रखूं या गाय रखूं। मेरा एक आपसे सुझाव है कि जबरदस्त अपना अभियान चले, जो नस्ल सुधार का अभियान हो, और हमारी देसी नस्लें जहां जाएं उन सबको संरक्षण देके जगह जगह पॉइंट खोले जाएं। सबसे बड़ी बात करता हूं, अकाल पड़ते रहते हैं, राजस्थान का ये क्षेत्र तो अकाल ग्रसित है, जहां से मैं आया हूं तो हमारा चोली दामन का साथ है, बाड़मेर जैसलमेर वो एरिया तो अकाल, आप तो यहाँ भगवान भाग्यशाली हो, आप ऐसे अच्छे एरिया में आपने जन्म लिया, परंतु वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में गो आधारित हमारा जीवन था, परंतु अब हम विवश हैं। परंतु मैं धन्यवाद देता हूं वहां के गोपालकों को, आज भी सिरोही जालौर बाड़मेर जैसलमेर पाली के उन गोपालकों को, मैं अभी हरियाणा गया था, वहां गोपालक सब कष्ट सह करके भी अपनी गायों को लेकर के वहां गए हैं, आज उनके लिए भी रतन जी ने जो आवाज उठाई, मैं भी उठाता हूं कि उन गायों के गोपालकों को विशेष संरक्षण दिया जाए और विशेष सुविधा दी जाए। एक एक गौशाला में गाय नहीं है, 300-400 गाय एक एक किसान लेके खड़ा है, और कोई भी परिस्थिति आई अपने झोंपड़े का छज उतार करके भी गायों को खिलाया, परंतु अपने गाय को भूखे नहीं मरने दिया। ऐसे गोपालकों को संरक्षण देना चाहिए। मैं अंत में एक बात कहूंगा कि ये जो अभ्यारण है पश्चिमी सीमांत का सबसे उर्वरा पैदा करने वाला सेवन घास, जैसलमेर बॉर्डर के अंदर है, सम घोटाड़ू लोगों वाला एरिया, उस एरिया में सेवन घास है, और सेवन घास की जो जमीन है आज वहां लैंड जिहाद के माध्यम से लोग कब्जे कर रहे हैं, और सामरिक दृष्टि से ठीक नहीं है। क्यों ना सरकार उसको गो अभ्यारण घोषित करे, और अकाल में घास पैदा करके जो हमारा बाहर से लाना पड़ता चारा, उसका एक हमें रास्ता मिलेगा। दूसरा मेरा सुझाव है जो पारिक जी ने रखा था, गाय को जब तक आप नरेगा से नहीं जोड़ोगे तब तक कोई समस्या का विशेष समाधान नहीं होगा, और बस सहज है सरकार के ऊपर भार पड़ता है हर बार अकाल वकाल ये करने में, तो उसको यदि जोड़ोगे, किसान को अनुदान दिया जाए और गाय को चारा दिया जाए, गाय बचेगी। चूंकि विषय बहुत है, मुझे केवल गौ माता का विषय भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि गाय माता धूरी मान करके चलेंगे तब हम पूर्ण करेंगे, और गौ संरक्षण और संवर्धन करके हम केवल अपना ही कल्याण नहीं करेंगे, वो विश्व का कल्याण करेगी। अतः मेरा ऐसा मानना है कि विशेष योजना बना करके इस विषय में काम किया जाए। मेरे विधानसभा में भी आप सब जानते हो 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा है, और 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा में मैं पुनः आप सबको कहूंगा कि आप कभी टूर करने जाते हो ना, तो सादर निमंत्रण है कि उस क्षेत्र में आकर के उस राजस्थान को भी आप देखिए, और वहां की भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों को देखकर के विकास की बात करेंगे। पुनः आपने मुझे बहुत ज्यादा समय दिया, देवस्थान विभाग और आयुर्वेद रह गया, फिर भी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है तो सब कुछ है, इसको शुद्ध रखने के लिए गाय प्रकृति और आयुर्वेद तीनों का शरण लीजिए, और अपने गुरु में विश्वास कीजिए, श्रद्धा कीजिए, और अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।